विधायक जी जिस तरीके से एक अनंत कुमार हेगड़े जी ने पहले ही बोल दिया था संसद के अंदर कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन जब 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनने अपनी जवान नहीं खोली और लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि संविधान संसद भवन मार्ग पे जलाया गया, फिर भी उन्होंने नहीं कुछ आवाज़ उठाई। देखिए, ये लोग हर तरीके का हथियार अपनाएंगे। इनकी तरफ से जो लड़ रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में समाज का कहते हैं ना, समाज के नाम पे कि हम लोग वोट लेकर के आते हैं, हम समाज के नाम पे जीत के आते हैं, लेकिन काम किनका करते हैं? ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का, इन लोगों काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ राजनीतिक आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। ये लोग जीत के जाके नहीं बोलते, पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। बाबा साहब ने जो मांगा था ना, हमारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दो, वहाँ पर हम लोग खुद लड़ लेंगे चुनाव, हमें राजनीतिक पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। और अगर पार्टी की बात करें तो एक बहुजन समाज पार्टी है, दलितों की, पिछड़ों की, बहुजन समाज के लोगों की, जिसका प्रतिनिधित्व माननीय बहन जी मायावती जी करती हैं। इस लड़ाई को वो, उस लेडी का त्याग आप देखो, लोग बातें करने में बड़ा आसान लगता है इन लोगों को, लेकिन जब त्याग की बात आती है तो उस लेडी का त्याग देखो, उसने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। और जो उनके राजनीतिक गुरु और जो सामाजिक गुरु थे साहब माननीय और काशीराम जी, उस आदमी का कितना बड़ा त्याग रहा है, और जिनसे प्रेरणा उन्होंने ली, बाबा साहब ने अपने बच्चे तक खो दिए इस समाज के चक्कर में, है ना। तो ये कुछ पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, सबको पता ही है, उसमें चाहे बाबू जगजीवन राम हो, बहुत सारे लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन बाबा साहब ने समझौता नहीं किया, पर ताड़ना सही, बर्दाश्त की, लड़ते रहे अपने लोगों के लिए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म एक्ट हो, चाहे पूना पैक्ट हो, जितने भी बाबा साहब ने कोशिशें की, उसकी वजह से हम लोग आज ऐसी जगह खड़े हैं, नहीं तो हमें यहाँ कौन घुसने देता। हम कहीं गांव में पड़े होते और हमें लोग, ये लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे भी समझ में जब आया, जब हम मंत्री बने, जब पता चला मैं मनीष सिसोदिया में और संदीप कुमार में फ़र्क क्या है, गोपाल राय में और संदीप कुमार में फ़र्क क्या है। हम मंत्री होते हैं जिस डिपार्टमेंट के, उसका जब बजट बनता है ना तो हमें बिठाया नहीं जाता बजट में, बना के अपने आप ले आते हैं, ले जी मंत्री जी अपने साइन कर दो बस। ये विडंबना है, हमारे लोगों को कभी भी निर्णायक भूमिका में किसी भी पार्टी में तवज्जो नहीं दी जाती।